जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अपने ऊपर हुए रिपोर्ट को षड्यंत्र बताते हुए अनीता प्रकाश ने पुलिस अधीक्षक के पास न्याय के लिए लगाई गुहार। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र की हेम पुष्पा नामक महिला ने तकरीबन सप्ताह भर पूर्व हसौद थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। चांपा निवासी अनीता प्रकाश ने पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए हैं, जिससे लेकर अनीता प्रकाश ने उक्त महिला की शिकायत को षड्यंत्र बताते हुए पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। अनीता प्रकाश के बताए अनुसार हसौद थाना क्षेत्र में उनका दामाद रहता है और दामाद का उक्त महिला से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। जमीन के संबंध में बातचीत से लेकर झगड़ा मारपीट तक होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे लेकर उक्त महिला हेमपुष्पा ने षड्यंत्र कर फंसाने की नियत से थाना में शिकायत किए थे। मैं चाहती हूँ कि पुलिस उसे निष्पक्ष जाँच करे और गुमराह करने वाले के ऊपर उचित कार्रवाई करे। काम से है मेरे को झूठा आरोप में फंसाया जा रहा है। श्रीमती हेम पुष्पा, जिसको न मैं जानती हूँ न मैं पहचानती हूँ, न मेरा उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। मैं अपने संधि के परिवार के जमीन के सीमांकन काम हेतु देवरघट्टा गई थी। तब वे आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, उसी समय मैं देखी हूँ। इस आवेदन में और तथा कथित बयान में जो उन्होंने मीडिया के में एक बयान दिया है और जो उन्होंने आवेदन में जो दिया है, उसमें बहुत सारी भिन्नताएं नज़र आ रही हैं। और मैं चाहती हूं कि इस उनके आवेदन पर निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच होते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि उन्होंने मेरे ऊपर में झूठा आरोप लगाया है, उसका निष्पक्ष जाँच में आदरणीय पुलिस प्रशासन से चाहती। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।